hit the jackpot this time. अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला खान एंड आई वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो ये मेरी एयर राइफल है, मैं इसके साथ निशाने लगाने लगा हूँ। तो इस एयर राइफल की बड़ी कमाल की कहानी है। तो पहले निशाने लगाते हैं क्योंकि अभी मतलब मगरिब होने वाली है, तो निशाने पहले लगा रहे थे ताकि लाइट में लगें, उसके बाद फिर इसकी कहानी की बात करते हैं। तो ये है मेरी 40 ईयर ओल्ड एयर राइफल। और इसकी कहानी शुरू होती है भावलपुर में। 1982 का दौर था, तो मेरे जो दादा है ना, वो गए थे भावलपुर। उन्होंने यहाँ वहाँ से ये गन खरीदी मेरे बाबा के लिए। मेरे बाबा उस वक्त थे मैट्रिक के अंदर, 9th ग्रेड में थे, तो उनके लिए उन्होंने ये गन खरीदी एयर राइफल डियाना की। इसका मॉडल है डियाना मॉड 35 है ये। और ये मतलब कि डियाना का, अगर आपको एयर राइफल्स का पता है तो आपको डियाना का भी पता होगा। बहुत मतलब कि मशहूर एयर राइफल कंपनी थी ये। और बाकी हाँ, तो उन्होंने बाबा के लिए ये गन खरीदी। फिर बाबा ने इस गन को इस्तेमाल किया निशानेबाजी ये वो इस तरह करके, और फिर उन्होंने ना इस गन को एक डब्बे में रख दिया। तो फिर पिछले साल की बात है, मार्च की बात है शायद, ये मार्च की बात है। तो मैं 8th क्लास से प्रमोट हो गया था, 9th में चला गया था। तो फिर जो मेरे बाबा हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ निकला ये एयर राइफ़ल। और मैं वैसे बचपन में, मुझे बाबा पहले भी कहते थे छोटा जब होता था कि तुम थोड़े से बड़े हो जाओ तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो मैं उस वक्त हमेशा सोचता था पता नहीं क्या सरप्राइज़ है यार जिसके लिए मुझे बड़ा होना पड़ेगा। तो फिर जब आखिरकार बड़ा हो गया मैं, तो फिर मुझे ये एयर राइफ़ल मिली। और मैंने इसके ऊपर प्रॉपर व्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने मेरा एक व्लॉग था उसके अंदर मैंने इसे मेंशन किया था। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे याद आ जाए तो मैं आगे क्लिप डाल दूँगा उसकी। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी है, जो कि है एक एयर गन। तो मैंने ये एयर गन किस तरह ली, एक्चुअली मैंने ली नहीं है, ये मेरी बाबा की एयर गन थी। और ये मेरे बाबा को तब मिली थी जब वो 9th में थे, ऑलमोस्ट मेरी एज के थे, और मेरे दादा ने गिफ्ट की थी। एनीवेज, तो इसकी बात मैं अब क्यों कर रहा हूँ, अगर व्लॉग बनाना ही था तो पिछले साल बनाता। मैं बात इसकी इस वजह से अब कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों की बात है, मैं अपने कमरे के अंदर आया तो जो ये मेरी वाली गन है ना, ये हमेशा उस कोने के अंदर पड़ी रहती है। तो मैंने इसको देखा, मैंने सोचा कि यार इसके पास जंग बहुत लगा था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि यार इसकी रेस्टोरेशन कराते हैं, इसको मतलब इसके ऊपर स्कोप भी लगवाते हैं, क्योंकि इस गन के ऊपर स्कोप की रेल भी है, तो इस पर स्कोप भी लगवाते हैं, इसकी मतलब रेस्टोरेशन कराते हैं थोड़ी सी, इसकी हालत थोड़ी बेहतर करते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए एक एंटी रस्ट स्प्रे लिया, फिर वो मैंने इस पर किया, 2 दिन पड़ी रही। और फिर मैंने इसके लिए एक गैमो का स्कोप लिया, ये 4x स्कोप है। और फिर उसके बाद माशाल्लाह अब आप देख ही सकते हैं काफ़ी बेहतर होगी पहले से। तो हाँ, अब मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने निशानेबाजी फिर से शुरू करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना निशाना बेहतर करता हूँ इसके साथ। तो हाँ, तो बेसिकली ये थी मेरी 40 साल पुरानी एयर राइफल की कहानी। थोड़ा सा रैंडम सा व्लॉग था आई नो, लेकिन मैंने व्लॉग्स शुरू ही इस वजह से किए थे ताकि मैं अपनी हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से कि दिस गन और इसकी स्टोरी जो है, इट इज़ वर्थ डॉक्यूमेंटिंग, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये। तो यह है कहानी मेरी गन की।
तो यार ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हाँ, बाकी खुश रहो, हंसते रहो, और इंशाल्लाह मिलते हो अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।